जिंदगी में बस यही चीज अब देखनी बाकी रहेगी जहां पर देवों का देव महादेव अब जाके हस्तमैथुन पे ज्ञान देंगे। और बॉलीवुड में जब तक मनोज मुंतशिर और अक्षय कुमार जैसे कालने में रहेंगे तब तक ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार और स्वागत है मेरे चैनल पर फिल्मी रेट पे, रिव्यू का रेट मारते हैं ओएमजी मूवी पर। देखो फिल्म का स्टोरी थीम बिल्कुल ही वैसा ही है जैसे ओएमजी 1 का था, और ठीक ये मूवी का थीम उसी ढर्रे पे है जिस ढर्रे पे इनकी पिछली मूवी थी, पुजारी को दुराचारी, पाखंडी और लोभी दिखाना। लेकिन थोड़ा सा इस फिल्म में चेंज ये कर दिया गया है कि अब सेंटर में इसमें सेक्स एजुकेशन होगा, जहां पर दिखाया गया है एक मिडिल क्लास का परिवार महादेव का भक्त होता है, उनका लौंडा गलत संगत में पड़ जाता है जिसको ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसका लिंग छोटा है। फिर वो अपने इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है और मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयां लेता है, जिससे होता कुछ नहीं है क्योंकि दिक्कत यहाँ नहीं दिमाग में होती। और साथ में अपने वो क्लासमेट से बुली भी होता है इसी चीज को लेके। और एक दिन वो बाथरूम में जाता है, वहां पर वो हस्तमैथुन करने लग जाता है, जिसके बाद कोई इसका वीडियो बना के वायरल कर देता है, जिसके बाद थूथू होनी शुरू हो जाती है इस बच्चे की स्कूल में और समाज में इसके परिवार का। अच्छा हस्तमैथुन का मुद्दा इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हस्तमैथुन ना होगा साला जैसे एक्टिविटी हो गई टेररिज्म की, जिसके बाद बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड करने की भी कोशिश करता है और अपने इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए उसका बाप ये तय कर देता है कि भाई कोर्ट में अब केस फाइल करेगा 3 जनों के खिलाफ, उस वैद्य के खिलाफ जिसने गुमराह किया जिसका फायदा उठाया, इसके बाद उस डॉक्टर के खिलाफ जिसने भी उसको गुमराह किया और फायदा उठाया, और तीसरा उस स्कूल के खिलाफ जहां पर उसको सेक्स के बारे में उसको एजुकेट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि उस पिता का मानना है कि उसका बच्चा आज अंधकार की तरफ जा रहा है, उसकी वजह बस एक ही है, एजुकेशन जो उसको स्कूल वालों ने दी नहीं। और हस्तमैथुन एक ऐसा टॉपिक है टीन एजर के लिए जिसको लोग टैबू मानते हैं और करता सब कोई है। बस यहाँ से शुरू होता है कोर्ट का ड्रामा, जहाँ पर सत्य असत्य सही गलत जायज नजायज लीगल अनलीगल को साबित करने में पूरी फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म के स्टार कास्ट आपको पता ही है, अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, अरुण गोविल। बात करते हैं उस पहलू पे जो नतीजा है सिर्फ अधकचरे ज्ञान का, शिवलिंग को इन्होंने पुरुष लिंग से जोड़ दिया गया है। ये जीता जागता सबूत है कि बॉलीवुड को शिवलिंग सनातन के बारे में कितना ज्ञान है। भाई वो शिवलिंग नहीं है जिसको मनुष्य का पुरुष का अग्रभाग समझते हो, वो शिवलिंग नहीं है। सनातन सभ्यता में उसको प्रतीक माना गया है, शिव का प्रतीक है, वो लिंग नहीं है। एक बात तो यहाँ पर साबित होती है कि तुम्हें बस ना अंग्रेजी बोलनी आती है, ज्ञान तुम्हें घंटे का नहीं है। अगर अंग्रेजी बोलने से अगर ज्ञानी आदमी होता तो राहुल गांधी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी इंसान होता। एक फिल्म आई थी अखंडा, अगर आपने मूवी देखी हो तो उस फिल्म में क्या बताया, यही तो बताया था सनातन धर्म की महानता, उसकी अखंडता, उसकी व्यापकता, सनातन धर्म की मूल धारणा उस फिल्म में अच्छे से बताया था। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो गलती बॉलीवुड की भी नहीं, ये जहाँ रहता है वहां से दो ही चीज चलती है, शराब और लोंडियाबाजी। जब आदमी हर रात शराब चढ़ा लेगा और लोंडियाबाजी करेगा तो अपनी वो क्रिएटिविटी में क्या दिखाएगा, यही दिखाएगा वो। अच्छा अक्षय कुमार का यहाँ पर दूरता देखो कि इस बंदे ने, इस पाखंडी इंसान ने उस बंदे को यहाँ पर नेगेटिव रोल में दिया जिस बंदे के प्रति आस्था है पूरे देश की, अरुण गोविल। ये वो अरुण गोविल जी है जो अपने एक्टिंग से मानव राम दर्शन करा दिया हो। अगर आज भी बात होती है रामायण की तो सबसे पहला चेहरा जो आता है वो अरुण गोविल का आता है। अगर राम को हम स्मरण करते हैं या याद करते हैं तो एक ही चेहरा सामने दिखाई देता है, वो है अरुण गोविल का। और इस बंदे ने बड़ी ही चलाकी के साथ अपनी फिल्म में नेगेटिव शीट दे दिया ताकि हिंदू समुदाय इस फिल्म का विरोध ना कर सके और पूरा हिंदू समाज चूतिया बन के जाके इस अरुण गोविल के लिए ये मूवी देखे और हिट कर दे। बॉलीवुड वहां वहां प्रपंच करता है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरा इसमें कांड क्या दिखाया है कि उज्जैन का जो पुजारी है वो दलाल टाइप है, वो बिजनेसमैन के ना केस का मतलब दलाली करता है, वो उसके केस सॉल्व करवाता है। और उसी महाकाल के मंदिर के पुजारी का साला जो अपनी भांजी के साथ उसको मतलब छेड़ता है, मोलेस्ट करता है, उसका यौन शोषण करता है पुजारी का साला। और देखो एक्टिंग की बात करें तो वैसे तो अक्षय कुमार अपने हर फिल्म में ओवर एक्टिंग करता है, लेकिन यहाँ पर ओवर एक्टिंग की पूरी दुकान ही खोल दी है। अपने एंट्री के दूसरे सीन में पुलिस चौकी में अक्षय कुमार हंगामा करता है और वो रेफरेंस देता है महादेव के कुछ पिछले किए हुए कर्म के, मतलब इतनी वाहियात किस्म की एक्टिंग वहाँ पर करता है कि मतलब खून की उल्टियाँ कर दोगे आप। और एक सवाल है सेंसर बोर्ड से, ये इतने चूतिए किस्म का बोर्ड सेंसर बोर्ड हो गया है कि मतलब कि अपने कट लगाने के बावजूद
ये फिल्म में चनाकी से वही सीन रखते हैं और ये पकड़ नहीं पाते। मतलब सेंसर बोर्ड ने बोला था कि कहीं भी शिव महादेव को नहीं दिखाना। अस्पताल में पंकज त्रिपाठी के सामने अक्षय कुमार रूप धारण करता है शिवजी महाराज का, वो सेंसर बोर्ड को नहीं दिखा। क्या ये सीन उस मूर्ख प्रफुल्ल जोशी को नहीं दिखा? वो शिवगढ़ अक्षय कुमार जो सिर्फ बात करता है हस्त मैथुन का, सेक्स का, शिवलिंग को अश्लीलता से जोड़ता है, प्राचीन पुस्तकों को, काव्यों को ये सेक्स से जोड़ता है, और ये आदमी यहाँ पर ये बताने की कोशिश करता है कि गुरुकुल में सेक्स पढ़ाया जाता है, संस्कृत नहीं, ज्ञान नहीं, कर्मयोग नहीं, वहां दी जाती है ज्ञान बस सेक्स की। मतलब सेंसर बोर्ड की निगाहों से ये बंदा बच कैसे गया, ये अब तो संदेह होता है सेंसर बोर्ड पे कि 100-200 रुपए लेके इन्होंने ये पास कर दिया। और एक सीन से मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति है, घोर आपत्ति है। वो सीन ये है कि अक्षय कुमार बींग महादेव वो शराब पीता है, या यूं लगा लो कि वो मदिरा पीता है, हिंदी बोले मदिरा पीता है। भाई महादेव का मतलब ये नहीं कि उसका भक्त और महादेव नशेड़ी है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है चढ़ाने को, धतूरा है, धतूरा ही चढ़ा दो, जो तुम्हारे पास है वो कुछ ही चढ़ा दो, उसको मैं फूल समझ लूंगा। लेकिन यह धतूरे का मतलब बिल्कुल इस शराब से जोड़ दिया है कि मतलब कि नशा खोर है महादेव। और ये जो किताबें पढ़ने के लिए सलाह देते हैं ऑडियंस को, पहले किताबें सालो तुम पढ़ो, उन काव्यों में, उन पुराणों में क्या लिखा है, तुम्हें जरूरत है पढ़ने की, तुम्हें जरूरत है पढ़ने की शिव के चरित्र को। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं ये फिल्म क्या है, तो ये फिल्म टट्टियों का एक डस्टबिन है। इस फिल्म से खुद और अपने बच्चे, अपने परिवार को दूर रखो। इस हफ्ते रिलीज हुई है 3 फिल्में, ओएमजी गॉड, गदर 2 और जेलर। जेलर मैंने रिव्यू दे दिया आपको, बहुत ही गजब मूवी है, फंटास्टिक मूवी है, वो फिल्म देख के आओ, या फिर देखनी हो गदर देखो, गदर भी बहुत बढ़िया मूवी है, देख के आओ। लेकिन इस फिल्म से दूर रहो। ये फिल्म हस्तमैथुन करने के लिए प्रेरित करती है बच्चों को, पीढ़ियां खराब करने की कोशिश करती हुई ये फिल्म है, और ये कहने की कोशिश करती है फिल्म कि तुम हस्तमैथुन करो, पीढ़ियों को बर्बाद करने की एक जीता जागता फिल्म है ये OMG 2। इस फिल्म को रेट करूंगा 2.5/10। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले रिव्यू, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।